ताजनगरी आगरा में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में समय से जांच रिपोर्ट न आने के कारण कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। अब आगरा में कोविड 19 टेस्ट के लिए 2 नॉट मशीन लगवाई गई है, जिससे जांच रिपोर्ट जल्दी से मिल सके। दरअसल आगरा के जिला अस्पताल में अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज भर्ती हो रहे हैं। कुछ मरीजों को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है, ऐसे मरीजों की कोरोना की जांच के लिए 2 नॉट मशीन दी गई है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सतीश वर्मा ने बताया कि 2 नॉट मशीन से कोविड 19 की जांच रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाएगी। इमरजेंसी केसों में इससे जांच की जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मरीज का इलाज शुरू किया जाएगा। कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर SN मेडिकल कॉलेज में RT-PCR से जांच कराई जाएगी। संघ ने ये निर्णय लिया है, जनहित में हर जिला अस्पताल में एक 2 नॉट मशीन दी गई है, जिसमें जो गंभीर रोगी हैं जिनका तुरंत उपचार की ज़रूरत है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट हो, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो, या डिलीवरी का केस हो, या और भी कोई बीमारी हो जिसमें हम इंतज़ार नहीं कर सकते, कोविड जांच में थोड़ा समय लगता है, कोविड स्टेटस जिससे मरीज का पता लग जाए, ये शहरवासियों के लिए भी, गंभीर रोगों के लिए बड़ी राहत होने से जा रही है। हम कुछ मरीजों की विगत दिनों में जांच भी कर चुके हैं। इसमें जब संदिग्ध पाया जाता है उसको रियल टाइम PCR पे फर्दर लैब में भेजा जाता है, 1 घंटे भर के अंदर उसका स्टेटस हमको पता लग जाता है। और जनता से यही अपील है कि उसका जुडिशियसली आप इस्तेमाल करें। कोई वास्तव में गंभीर रोगी है तो जिला अस्पताल वो आएँ, अपनी तुरंत जाँच करवाएँ, फिर उनके अनुसार अपना इलाज कहीं भी वो करवा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रतिदिन कोविड 19 के 15,000 टेस्ट हो रहे हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। नॉन कोविड मरीजों के इलाज और ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सभी 75 जनपदों में 2 नॉट मशीनें लगाई जा रही हैं। पंजाब केसरी TV के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।